जब हमारा ढोकला अच्छे से पक जाएगा इसे उतार कर ठंडा कर लेंगे। चाकू की मदद से अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अब एक तड़के में थोड़ा सा तेल डालकर, हरी मिर्च, तेल, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर इन्हें भून लेंगे। अब ऊपर से इसे हम ढोकले के ऊपर गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सूजी ढोकला बनाने के लिए हमें बर्तन में एक 250 ग्राम सूजी, 100 ग्राम दही डालकर अच्छे से फेटेंगे। इसे फेटने के बाद इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे, बहुत पतला ना हो। आप अपने आवश्यकता अनुसार ही बैटर बनाइएगा। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा चीनी, आवश्यकता अनुसार नमक, एक चम्मच तेल डालकर इन्हें अच्छे से मिला लें। अभी से हम 20 मिनट या 15 मिनट के लिए ढक के रख दें। जब सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी, इसमें एक चम्मच चीनी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम भाप लगाएंगे, यानी भाप में इसे पकाएंगे। इसके लिए जिस बर्तन में पकाना है उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर उसके ऊपर बैटर डाल दें, इससे बर्तन में टिप चिपकेगा नहीं। इसके बाद इसे थोड़ा सा लाल मिर्च डालकर ऊपर से, इसके बाद इसे ढककर 15 मिनट भाप में अच्छे से पकाएं, जब हमारा अच्छे से ढोकला पक जाएगा।